अरे तेरी हो रही है युद्ध बीच में, ये दो ये बीच में बॉर्डर लाइन है। बाय बाय। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड अभी बज रहे हैं 9:10। तो आज भाई हम लोगों का बना है मूवी देखने का प्लान, जो कि अवतार मूवी काफ़ी तगड़ी है। और इसी के दौरान भाई अपने मुसाफिर ग्रुप में काफ़ी भाई लोगों ने ये बोला कि आज हम मीटअप रखते हैं, छोटा सा मीटअप होगा जिसकी मदद से हम लोग आप लोगों को एक दूसरे को जानने लग जाएंगे। ताकि यार अभी देखो ग्रुप में क्या है ना कि कोई लोग भी मैसेज कर रहा है तो उतना पता नहीं चल पा रहा कि बंदा कौन है क्या नहीं है। तो हम लोग जब मिल लेंगे ना तो एक अलग एक स्ट्रॉन्ग पावर फील हो जाएगी हम लोगों में, तो जिसकी वजह से हम लोग आने वाले टाइम पे बड़े बड़े मीटअप रख सकते हैं और बड़े बड़े ग्रुप में हम लोग घूमने जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा व्लॉग शूट कर सकते हैं, यानी ऐसे में पता नहीं चलेगा। तो आप सभी लोगों को क्या कहते हैं 12 बजे ब्रैटन कॉर्नर के पास मिलते हैं। एंड ना मिलने से भाई हम लोगों को दो फायदे होंगे, एक हम लोग एक दूसरे को जानने लग जाएंगे और दूसरा भाई दोस्ती भी अच्छी खासी हो जाएगी जिसको हम लोग आपस में जानते भी नहीं हैं। तो मिलते हैं आज 12 बजे के टाइम पे, देखते हैं कौन कौन आ रहा है। फिलहाल अभी ग्रुप में मैसेज आता है तो 2-4 लोग तो आ ही रहे हैं फिलहाल। अब देखते हैं 2-4 लोगों में से कितने आते हैं, फिर इसके बाद कभी फिर नेक्स्ट टाइम अगले को किसी को टाइम होगा तो फिर भी फिल लेंगे जिस जिसको टाइम होगा। ऐसा मिलते हुए ना आपस में हम लोग एक दूसरे को पहचानने लग जाएंगे। तो फिर इस वजह से क्या होगा ना भाई, जब कहीं भी हम लोग राइड पर निकलेंगे या फिर कहीं पर भी हम लोग व्लॉग करने के लिए निकलेंगे तो भाई अपने एक अलग ही ग्रुप होगा पूरा। अभी क्या होता है ना, हम लोग व्लॉग बना रहे हैं तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अकेले जाएंगे, 4 लोग देंगे हमें शर्म टाइप की। तो हम लोग अगर ग्रुप में होंगे और सब लोग एक दूसरे का सपोर्टेबल होंगे तो इससे ऐसा ना एक एनर्जी फील होगी सभी लोगों में आपस में, कि एक मोटिवेशन मिलेगा कि यार भाई सारे लोग आपस में हम लोग मिलके एक स्ट्रॉन्ग फील होता है ना, मतलब अगर हम लोग एक आपस में मिलके काम करें तो। तो देखते हैं अभी 12 बजे टाइम पर मिलते हैं और देखते हैं अगर किस किस का मूवी का प्लान है। फिलहाल तो हम लोगों का 12 बजे के बाद हम थोड़ा देर मीटअप करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग चले जाएंगे मूवी को, और बाकियों का पता नहीं, जिस जिसको आना होगा तो मूवी देखने आ जाएगा, बाकी वहीं पे देखते हैं कि क्या प्लान होता है। तो मिलते हैं डायरेक्ट सीधे आपसे ब्रैटन कॉर्नर के पास, तब तक के लिए बाय। तो भैया जैसे कि हम लोग मीटअप के लिए पहुँच चुके हैं और सबसे पहले मुझे मिल चुका है हमारा दोस्त सैम व्लॉगर, और अभी आगे को ब्रैटन कॉर्नर के पास बहुत सारे लोग रुके हैं, उनसे भी मिलते हैं धीरे धीरे। एक्चुअली जानते किसी को है नहीं, लेकिन कोई नहीं, वहाँ पे देख के मीटअप हो जाएगा, सब लोग एक दूसरे को जान पहचान हो जाएगी। तो चलते हैं आगे को, पहला तो मिल गया मेरा फ्रेंड, अब आगे को देख। तो भाई लोग हम पहुँच चुके हैं आकाशवाड़ी ब्राइडन कॉर्नर, सिर्फ कुछ स्टेप दूर है, थोड़ा सा दूर। तो भाई साहब बाइक देख सकते हैं, इतनी बाइकें लगी हैं, कमी है अभी, ज़्यादा लोग नहीं आ रखे। ये नीचे बैठे यार, तो भाई लोगों देख सकते हैं सभी भाई लोगों यहाँ पे मीटअप के लिए पहुँच चुके हैं, सभी की बाइकें लगी हुई हैं एंड यहाँ पे ग्रुप इकट्ठा हो गया है काफ़ी। हेलो रवि भाई, क्या हाल है? बस आ रहे हम तो ऑफिस के अगल बगल वाले हैं। क्या हाल है, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। रवि भाई तो जानते ही हैं आपको, के पहाड़ी ब्लॉग, और कार्तिक भाई और सूर्या भाई को तो जानते हैं, वीडियो देखी है काफी। हेलो भैया, नमित भाई, और नमित भाई को भी जानते हैं, और कौन चैनल? ओके ओके ओके, भाई से भी मिल गया, काफी अच्छा लगा। चलो काफी इकट्ठा हो गए यहाँ पे, ऐसी ये भी बननी है वहाँ पे रील्स। और रवि भाई अभी अपने निकालेंगे Insta 360। टैटू दिखा दो यार रवि भाई अपना हाथ का, पहले सबसे पहले ये है रवि भाई का टैटू, बड़ा धांसु बनाया है। कहाँ से बनाया है? ये हमने बनाया हमारे नाम, इसको एडिट किया जाए पहले सूरज चमटा, टैटू आर्टिस्ट है, कसार व्यू में इंप्रेल हाइट है, उसके जस्ट बगल पे है उनका। अच्छा, अगर कोई भी बनाना चाहे तो कांटेक्ट नंबर कर, हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। बाकी देखो काफी भाई लोग अपने इकट्ठा हो चुके हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा, तो कार्तिक भाई आपका मोनेटाइजेशन हो गया है? हो गया। अरे गजब यार। तो गाइस हम लोग मिल चुके हैं, मीटअप पूरा हो चुका है, 10-12 लोग हम लोग आपस में इकट्ठा हो चुके हैं। तो ये मीटअप अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक छोटी सी राइड मारते हैं यहाँ से डोलीटाना तक का। तो ये मीटअप काफ़ी है, इसके नेक्स्ट मीटअप जो होगा वो काफ़ी बड़ा और धमाकेदार होगा। फिलहाल इससे ये पता चल जाता है ना कि कौन कौन मतलब एक्टिव है, कौन कौन नहीं है। तो चलते हैं, अभी सारे भाई लोग अपने रेडी हैं, तो चलते हैं फटाफट। चलो भाई लोगों, एक ऐसा करते हैं ना, एक छोटी राइड मारते हैं डोली डाने तक का। हाँ, वही है ना। तो गाइस अभी हम लोग हैं ब्राइटन कॉर्नर के पास, देख सकते हैं आप कितना मस्त व्यू है यहाँ पर से, और यहाँ पे हिमालय व्यू भी देख सकते हैं आप, सारे मोटो ब्लॉगर। चलो गाइस बिना किसी बढ़ते हैं, चलो 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 अपनी गाड़ी स्टार्ट करो। चलो, 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 चलो। तो
तो होते हैं रेडी, चलते हैं भाई लोगों, मिलते हैं आपको डायरेक्ट एक छोटी सी राइड पे डायरेक्ट अपने ब्लॉगर भाई लोग। चले फिर एक छोटी सी राइड करें, चलो। और ये हमारे रवि भाई, और रवि भाई निकल चुके हैं बिल्कुल टीम के साथ टोली डालने की तरफ। अरे तेरी, मिस कर गया ये भाई, मिस कर दिया मारते हुए नमित भाई। तो गाइस माहौल काफी जबरदस्त और तगड़ा बना हुआ है यहाँ पे, और सारे अपने जितने भी ब्लॉगर हैं एक साथ इकट्ठा हो चुके हैं और एक छोटी सी राइड पे हम लोग चल रहे हैं। ऐसी जीत चाहे जिंदगी है, तो भाई अभी यहाँ से हो रही है हमारी ऑफरोडिंग की तैयारी। खतरनाक रोड है आप देख सकते हैं भाई, वहाँ पे ये इतना स्लिप हो रहा था ना गाड़ी, यहाँ पे नीचे नीचे मैं बैठा के ला रहा हूँ नीचे, नहीं बैठ के तो आराम से वो आगे वाला रुक जा रहा था। और हमारे कार्तिक पांडे भाई यहाँ पे निक्स भाई स्कूटी चलेगी, अरे ये दौड़ेगी भाई, चलाओ चलाओ तो भाई लोगों देख सकते हैं सभी अपने मुसाफिर ग्रुप के फ्रेंड्स लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर एक बढ़िया सी हम लोग एक छोटा सा मीटअप रखा हुआ है हम लोगों ने। मीटअप पहले हमने मीटअप का जो मेन पॉइंट था हम लोगों ने ब्रेटन कॉर्नर के पास रखा था, फिर उसके बाद सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा होने के बाद तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे डोली डाना के जंगलों के पास में, जो कि काफ़ी मस्त है यहाँ पे मंदिर का नज़ारा वगैरह। और यहाँ पे बाइकें मतलब बड़ी ख़तरनाक ऑफ रोडिंग में हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं। यहाँ से जो नीचे का नज़ारा है ना भाई, बड़ा ही डेंजरस है। ये रही मेरी बाइक, और ये रही अपने भाई लोगों की बाइक, और काफ़ी लोग यहाँ पे अपनी अपनी बाइक लेके आए हैं। हमारे सैम लगकर काफ़ी सैड दिखाई दे रही है। हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं, सभी लोग अपनी अपनी बाइक लेके आ चुके हैं, और बाइक इतनी खतरनाक जगह में लेके आए हैं तो वापस कैसे ले जाएं, ये खतरनाक सीन होने वाला है भाई। और अभी हम लोग यहाँ पर से थोड़ा सा नीचे एक ग्राउंड है, यहाँ पे ग्राउंड पे थोड़ा जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं ग्राउंड पे क्या सीन है। वहाँ पर थोड़ा एक अच्छी खासी सारे जितने भी अपने मुसाफिर ग्रुप वाले हैं उनके एक आपस में एक मस्त फोटोग्राफी वगैरह करते हैं, रील शूट करते हैं, फिर चलते हैं उसके बाद नीचे को। क्या है यहाँ पर, एक से पहले नीचे एक रोड है काफ़ी मतलब वहाँ पर अच्छी खासी जगह है जहाँ पर हम लोग अपना शूट वूट कर सकते हैं। तो वैसे देख सकते हैं कितनी खतरनाक ऑफ रोडिंग हो रही है, ऑफ रोडिंग करने का मजा ही कुछ और है। तो अभी हम लोग डोली डालने में हैं, और यहाँ जो साउंड सुनाई दे रही है आपको फायरिंग की साउंड है यहाँ पे आर्मी वालों का है। तो ये अपने लास्ट सूर्या भाई निकल चुके हैं, ये हो रही है युद्ध बीच में, ये दो ये बीच में बॉर्डर लाइन है। तो गाइस हमारे न्यू फैंस जितने हैं सब अपने अपने आपस में मीटअप कर रहे हैं, सब्सक्राइब करवा रहे हैं। हमारे कार्तिक भाई डांस कर रहे हैं वो बढ़िया सा, बाय बाय जो है वो समा है। भाई देखा अभी आपने, अभी खतरनाक भयंकर सा मीटअप हुआ। अभी कुछ लोग यहाँ पे पहले से ऑलरेडी थे, एक्चुअली हम भी उन्हें नहीं जानते थे, तो आपस में सभी लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, काफ़ी काफ़ी मज़ा आया। मतलब आज रैंडम लोगों को जानने का मौका मिला है। तो यहाँ से करेगा संजू
यहाँ से करेगा संजू राइट। मिशन इम्पॉसिबल है यहाँ से आगे जाना, आप देख सकते हैं आगे जाना ये काफ़ी बड़ा पेड़ टूटा हुआ है आगे, जैसे कि हम आगे ऑफ राइड अपनी पूरी कंप्लीट नहीं कर सकते, बट जितना भी है काफ़ी है, इनफ है। और जो देख सकते हैं भाई व्यू देखें, परम मित्र ऑफिस वाले रात दिन मीटअप रहता है हमारा, तो क्या और ये बाकी रोहित भाई ने रोजा हमें काफी जानकारी दी भाई YouTube के बारे में, हम नए नए हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। यार हम भी नए नए हैं, भाई ने हमें बहुत काफी कुछ बताया इसके बारे में कि ऐसा करना है वैसा करना है, तो मुझे काफी मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ भाई। और कमल के पहाड़ी है भाई सामने, उन्होंने मुझे काफी नॉलेज बताई काइन मास्टर के बारे में, कैसे एडिट करते हैं कैसे क्या करते हैं करके। ये तो एक दूसरे को हम सपोर्ट करें, एक दूसरे को हम सपोर्ट करें तो आगे ऐसे ही बढ़ सकेंगे भाई। अगर तुम लोग भी हमें सपोर्ट करोगे तो तुम्हारे लोकल के भाई आगे बढ़ेंगे। और भाई मेन क्या है ना, जितने भी हमने फिलहाल अभी ग्रुप में ऐड हैं, बिल्कुल अभी हम ग्रुप में ऐड होने से हम लोग सिर्फ 10 या 12 लोग यहाँ पे आए हैं, तो मैं हम लोग चाहते हैं कि जो वीडियो अभी हम लोगों के ग्रुप में लोग देखेंगे। उसको देख के मतलब हम लोग एक नेक्स्ट मीटअप रखेंगे जो तगड़ा होगा, काफी खतरनाक होगा, तो उसमें जितने भी ग्रुप वाले हैं ना सारे आपस में मिलो और मीटअप करो। ये नहीं यार कि बस मैसेज पढ़ा और स्क्रॉल किया, बिल्कुल तो सारे लोग मिलके आपस में काफी मजा आता है। तो जैसे कि देख सकते हैं आप आज एक चीज का केदारनाथ का ट्रिप बनेगा हमारा मुंबई में, केदारनाथ का ट्रिप बनने वाला है। मैं भी आऊंगा सारे लोग हैं, मतलब कोई भी जगह है तुमको ज्वाइन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बिल्कुल भाई, केदारनाथ बद्रीनाथ दोनों करेंगे साथ में वहाँ से, लेकिन दोस्ती यारी अपनी जगह, पैसा अपना अपना, क्योंकि हम हाँ यार सूर्य भाई के बालों का मजा आ गया बिल्कुल। और उन्होंने स्टार्ट किया था सूर्य भाई की रेस लगा के दौड़ के आने वाली वीडियो, तो बिल्कुल मजेदारी है यार। आज की राइड में तो लाइव की फर्स्ट राइड है आप लोगों के साथ, और बहुत अच्छा लगा, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल अगर आप लोग हमारे शहर से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज हम लोगों को प्यार दीजिए, हम छोटे से यूट्यूबर्स हैं और बड़े यूट्यूबर्स को प्यार देते हैं, फैंस हमें भी प्यार दीजिए, हमारा लोकल का बंदा आगे बढ़ेगा साथ से। आपके जो पहाड़ के बंदे हैं वो अगर आगे बढ़े तो हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। थैंक यू, बाय बाय। बिल्कुल जोर से जोश के साथ, आवाज इतनी आती है, अरे कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं यार, लेकिन भाई की दाढ़ी मजा आ रहा है, कसम से कटिंग आ रही है दाढ़ी की। अरे फ्री भाई, जितने भी हमारे मुसाफिर ग्रुप के लोग हैं उसमें से हम 10-12 लोग तो यहाँ पर मीटअप के लिए आ चुके हैं, और उम्मीद है कि आप लोग भी धीरे धीरे करके टाइम निकालें, मीटअप करें, आपस में एक दूसरे का सपोर्ट करें, तो इससे काफी सही रहता है। तो काफ़ी लोग तो यहाँ पे आ चुके हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट तगड़ा मीटअप रखने वाले हैं, जिसमें सभी जितने भी हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे साथ ग्रुप में जुड़े हैं तो सभी सब लोगों को वहाँ पे अगर आए तो काफ़ी बढ़िया रहेगा, जिससे कि हम लोग आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। काफ़ी आगे बढ़ना है भाई, लोगों मिल के अपने अल्मोड़े को आगे बढ़ाना है। तो इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के सबकी।